सर एहतजाज तो आज उसका सेकेंड डे है। अच्छा, उनसे पहले हुकूमत को जो बासर अफराद है या जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको बारह हमारे टीचर एसोसिएशन के कैबिनेट के जो मेम्बरान थे उन्होंने अपने इशूज़ उनके सामने रखे। तकरीबन कोई साल हो गया या आठ महीनों से, और हर हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखे कि ये बेसिक इशू है और अगर सीरियस होना चाहे तो मेरे ख्याल एक घंटे आधे घंटे का भी ये काम नहीं है। आपने खुद सुना कोई सात आठ पॉइंट है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर मैं सीरियस हूँ किसी मसले को हल करने के लिए तो मैं इसको दूल देने के क्या वजूहत पेश कर सकता हूँ? आपका जो हॉस्पिटल की हालत है वो आप खुद देख रहे हो, जो बेसिक मशीनरी है जिससे आपका इलाज मालिजे में मदद मिलेगा तशखीस में वो चीज़ें जब नहीं है तो आप डॉक्टर से क्या गिला? तो लोग सारे डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर तो आ रहे इलाज के लिए, आप तो खुद आते हो, आपने खुद देखा है। कभी आप ऐसा वो नहीं कर सकते हो कि जी डॉक्टर वहाँ पे एबसेंट है, लेकिन मसला कहाँ पे पेश आता है? इलाज के लिए अगर हम बैठे हुए हैं उसके इलाज करते हैं, जो बेसिक मशीनरी है ज़ाहिर हमारे पास नहीं है, ख़राब पड़ी हुई है और हमारे टीचर एसोसिएशन की तरफ से उनको रिपेयर करने के लिए बारह हमने उनको हायर अथॉरिटीज़ को बताया कि ये रिक्वायरमेंट है हमारे इन टीचिंग हॉस्पिटल की तशखीस में और उसके इलाज मालिजे में काम देगा। इसके बावजूद उन्होंने सही नहीं किया। आवाम गिला करते डॉक्टर से और डॉक्टर कहाँ जाएंगे? और यही वो जो आता है कि अगर सीरियसली एक टेबल पे, तो मेरे ख्याल एक हाईली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरह का एहतजाज मैं तो खुद समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी जब इधर पहुँच जाए कि आपका सुनने वाला नहीं हो या उसको सीरियसली नहीं लेता है तो जमहूरी तरीका फिर आपका ये है कि आप अपने प्रोटेस्ट पे चले जाते हो। देखो मैं सर इस तरह बात करूँगा कि मेरे हाथ में जो है मैं वो काम करूँगा, जो आपके हाथ में आप वही काम करोगे। जिनको पता है अभी फाइनेंस से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटीज तो हमारा ही है, फिर यहाँ से सूबाई जो हमारी कैबिनेट है, चूँकि हम लोग ये गरीब सूबे से, जब भी हम देखते हैं कि जी हम गरीब सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सूबा तो हमारा गरीब नहीं है लेकिन उसको गुरबत तक हम लोगों ने खुद पहुँचा है। अगर हम सीरियसली बात करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें इस पर सोचना चाहिए। दुख होता है इन गरीबों का जो यहाँ पे हमारे पास आते हैं, हर बंदे के पास पैसे नहीं है इस महंगाई के दौर में कि जाके प्राइवेट अपना इलाज करा दे। ऐसे लोग भी है कि रात का खाना नहीं होता है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आकर के दाखिल होता है, उनके पास मेडिसिन की ट्रीटमेंट नहीं होते। ये मेरा और आपका काम है कि उसका इलाज कर ले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो हमारे अथॉरिटीज़ है जो हमें ये सारे सिस्टम को उन्होंने टेका उठा रखा हुआ है, रिस्पांसिबल है, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो जाके इन हॉस्पिटलों को वेल इक्विप्ड कर दें, सब कुछ प्रोवाइड कर दें। आपकी ये चीज़ें कुछ भी आपको नज़र ना कोई प्रोटेस्ट होगा, आपको स्मूथ रनिंग होगा। ये आपका एक साफ़ी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि एक अगर एक इदारा बनाते हो तो उसके लिए पहले से मेंशन होता है कि मेरे बच्चे इसमें कितने तादाद में पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे बेसिक आपके फैकल्टी की ज़रूरत होती है कि मैं कितना टीचर अपॉइंट करूँगा कि मेरे बच्चों को ट्रेन करे। यहाँ पे तो वो चीज़ होगी आपके सामने, पाँच साल वो फाइनल ईयर तक पहुँच गए, शाह साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट किया, नॉट मोर देन 10% जो हमारे जो टीचर है वो परमानेंट है, बाकी सारे जो है हमारे एडॉक पे लिए गए, तो आप इनको परमानेंट क्यों नहीं ले रहे हो? परमानेंट ले लो ताकि टीचर भी सेफ रहें और वहाँ पे उन बच्चों की फ्यूचर भी सेफ रहे और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो भी सेफ रहे। तो ये तो उन लोगों का काम है जो हायर अथॉरिटीज़, जिनके पास पावर है, हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है। या तो ये कर दे कि ये पावर सारे आप हेल्थ अथॉरिटीज़ उठा करके जो यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान है, यहाँ के टीचर्स है, उनका एक इस तरह का कमेटी बना दे कि जी आप टीचिंग हॉस्पिटल खुद अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओ, उसमें कोई चार पांच प्रोफेसर ले करके उनको फाइनेंशियली भी इतना सपोर्ट करो कि किसी के पास बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं हो, कोई मशीन ख़राब हो गया या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपको उधर जा कर के ये फाइल के पीछे नहीं भागना चाहिए कि तीन तीन महीने हो, आप उसी टाइम उसको एडवर्टाइज़ करके हफ्ते के अंदर आपकी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल आपने क्यों कामयाब है? उसका वजह ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसके पास है, इख्तियार है, उसके एक चीज़ ख़राब होता है वो शाम तक बन जाती है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास पैसे है, बजट है, और मेरे पेशेंट सफ़र न करे कि मैं उस हॉस्पिटल से किसी और हॉस्पिटल पर भिजवा दूँ। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर सीरियसली इम्प्लीमेंट कर दे तो मेरे ख्याल कोई ऐसे इशू नहीं है कि नहीं हो सकते, ये बड़े इशू तो है ही नहीं
केजेस के लिए इतना फाइनेंस की ज़रूरत है, इसी फाइनेंस के तहत आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नियत हमें हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। देखें, हम तो 1.5 साल से जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सेक्रेटरीट में नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो है बिल्कुल सर्दमहरी का जो है ना वो रुझान है। हमने कोशिश की कि सिर्फ नेगोशिएशन से मसला हल हो जाए, लेकिन हुकूमत की बेइज्जती है, बार बार हमें सिर्फ यकीन दहानी कराए जा रहे हैं, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। कम से कम जहाँ तक मुझे याद है हमने 20 के करीब मीटिंग्स जो है ना इनके साथ की है, जिस पे हमें हर दफ़ा कहा गया हम करेंगे, फॉरवर्ड हो गए कागजात, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मसला है। तो इसी दौरान कम से कम 5 जो है हेल्थ सेक्रेटरीज तकरीबन ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हर एक हेल्थ सेक्रेटरी जब नया आता था फिर जाके मीटिंग करते थे, वो असर नौ शुरू करता था इन मसाइल को हल करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम जैसी एसोसिएशंस जो एक क्रीम ऑफ नेशंस हैं, जो एजिटेशंस या इस तरह के स्ट्राइक्स बायकॉट की सख्त मजम्मत करती है, हमें भी जो है दीवार से लगाया जा रहा है और हमें मजबूर किया गया कि हम इस नहज पर पहुंच गए कि हमने अपने फ्यूचर जो बच्चे हैं हमारे क्लासेस की बायकॉट हमने की है, जो कि जिसकी हमें भी बहुत तकलीफ़ है। तो ये सरासर जो है हुकूमत की तरफ से उनकी सर्दमहरी, उनकी बेहिसी, वो जो है हमें डिले टैक्टिस के साथ बार बार जो है ना हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो, हमारे ये डिमांड्स हमारे नहीं हैं, ये डिमांड सूबे के हैं, सूबे के अवाम के हैं और इस मुल्क के या सूबे के मरीजों के हैं। हम रोज़ अव्वल से गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो ठीक नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं BMC जाएँ किसी भी हॉस्पिटल में और MS के पास जाएंगे, वो कहता है पैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो डॉक्टरों की तनख्वाहें आप देखें, इस महंगाई में आप किसी की तनख्वाह काटेंगे, चाहे आप बढ़ाना चाहिए, आप काटेंगे तो लोग क्या भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे डॉक्टर जाके इस वक्त फ्री में जो दूर दराज इलाकों में सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह तुर्बत है, जोब है, लोरलाई है, नुश्की है, उधर जाके सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह काटी है। और तीसरा जो है हमारे सर्विस रूल्स एक सदी से, बल्कि मैं कहूँगा कि हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि उनको ड्राफ्ट करें, अभी तक वो ड्राफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो 8-10 मुतालबात हैं गवर्नमेंट से, ये हमारा दूसरा दिन है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बात माने, हम नहीं चाहते कि सिस्टम डिस्टर्ब हो, हम नहीं चाहते कि लोगों को डिस्टर्बेंस हो। आपने एक चीज़ देखी है कि अक्सर जो डॉक्टर होते हैं वो हड़ताल करते हैं कि जी हम अस्पताल का बायकॉट करेंगे। इस दफ़ा हमने ये तय किया कि हम पेशेंट केयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिलहाल जब तक गवर्नमेंट का रवैया गलत ना हो तो हम हॉस्पिटल केयर, पेशेंट केयर ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तमाम मेडिकल कॉलेजेस, तमाम टीचिंग इंस्टीट्यूशन बलूचिस्तान के, उनमें हमने टीचिंग सर्विसेज से बायकॉट किया है, जो हम समझते हैं हमारा एक जमहूरी एक एहतजाज का एक तरीक़ेकार है।